लग रहा हो, लेकिन जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उस टाइम आई होप कि वो कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट बात हमने करनी है ब्रेन एब्सेस की, और ब्रेन एब्सेस के साथ भी हम देखेंगे कुछ अदर CNS इन्फेक्शंस जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हैं। और अभी के लिए आई डोंट हैव डस्टर, ठीक है, सो हम ये टिश्यू से ही करेंगे और फिर उसके बाद मैं डस्टर ले लूँगी। अच्छा, अब हमने करना है बेटे बाल ब्रेन एब्सेस की, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद दो तीन उन्होंने CNS के वैसे ही मिसलिनियस इन्फेक्शंस बताए हुए हैं, सो उनको देख लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया था और मेरे पेपर में सिर्फ जो है वो रेबीज की ही मैनेजमेंट आ गई थी। सो अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रेन एब्सेस की। सो एक तो ये है कि कवरिंग का इन्फेक्शन है, एक ये है कि ब्रेन पैरेन्काइमल इन्फेक्शन है, और एक ये है कि अंदर सुपरेटिव यानी पस कंटेनिंग इन्फेक्शन हो गया है। सो ब्रेन के अंदर अगर क्या हो जाएगा, सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी पस कंटेनिंग फोकल इन्फेक्शन होगा, तो उसको हम फिर क्या ही कहते हैं, ब्रेन एब्सेस कहते हैं। नहीं, बस यही है कि दिमाग में पैरेन्काइमा में पी पड़ गई है, पस पड़ गई है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये फ्रंटल लोब को इफेक्ट करता है, और उसके बाद नंबर टू इसमें पैराइटल लोब जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। अब अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें कि कौन कैसा ऐसा कौन सा इन्फेक्शन हुआ कि अंदर इतना सवेयर इन्फेक्शन है कि पस पड़ गई है, तो मोस्ट कॉमनली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेटे वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन वही है, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टेफलोकोकाई, और स्टेफलोकोकाई के बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ एनएरोब्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, या पोली माइक्रोबियल इन नेचर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म 80-90% केसेस में यही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो सोर्स है, ऐसा क्या हुआ कि ब्रेन के अंदर टिश्यू में इन्फेक्शन चला गया और अंदर जाके उसने पीप उसके अंदर जो है वो पड़ गई है, तो ये किस रीज़न की वजह से हो सकता है। नंबर वन, कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कुछ लगा, कोई शीशा कांच से कोई इंजरी हुई, पेनिट्रेटिंग इंजरी थी, अंदर इन्फेक्शन चला गया, ठीक है। नंबर टू, आपको पता है मैस्टिडाइटिस, ये जो कान के पीछे मैस्टॉइड प्रोसेस है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, सो नंबर टू मैस्टिडाइटिस की वजह से भी हो सकता है। नंबर थ्री, साइनसाइटिस है, तो इन्फेक्शन साइनस से ट्रेवल कर सकता है टूवर्ड द ब्रेन। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकाराइटिस के बाद भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रेन एब्सेस हो सकती है। ब्रोंकियाक्टेसिस, ब्रोंकियाक्टेसिस जिसमें परमानेंटली आपकी ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाती हैं, उसमें, और कंजनाइटल जो है साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, उसमें भी ये हो सकता है, वो सोर्स बन सकते हैं इन्फेक्शन का टूवर्ड द ब्रेन। इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो हेडेक जो है वो सबसे ज़्यादा, सो कांस्टेंट हेडेक अगर किसी को है तो उसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइट नहीं लेना चाहिए, रूल आउट ज़रूर कराना चाहिए। सो हेडेक है मोस्ट कॉमनली, यही होता है कि पेशेंट को हेडेक है, डल है और कांस्टेंट है, काफ़ी दिनों से है, थोड़ा 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 और होते ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। बाकी डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी लोब है, तो फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे, उसके बाद पेशेंट को सीजर्स जो हैं वो पड़ सकते हैं। सो सीजर्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मेनिनजाइटिस हो सकता है, एनकेफलाइटिस हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा, उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होगा, क्रेनियल नर्व थर्ड और सिक्स की पॉल्सी हो सकती है, और इम्पॉर्टेंटली CT स्कैन के ऊपर हमें एक रिंग इन्हेंसिंग लीजन नज़र आती है। सो ये आपने याद रखना है कि नोजिया वॉमिटिंग है और रिंग इन्हेंसिंग लीजन नज़र आई है तो डायग्नोसिस क्या है, ब्रेन एब्सेस है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो आपने करनी है अगर आपसे पूछी जाए। यहाँ पे भी इसकी मैनेजमेंट में क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या ट्रीटमेंट है, सो मैनेजमेंट में आपने याद रखना है कि CT इज़ द इनिशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी मोस्टली कन्फ्यूजन और सीजर और इस तरह के फीचर्स हैं, सो हम जो इनिशियल करते हैं वो क्या है, CT स्कैन है। मेनिनजाइटिस पायोजेनिक में इनिशियल जो है वो क्या था, ब्लड कल्चर। बाकी इनकेफेलाइटिस में और ब्रेन एब्सेस में इनिशियल क्या होता है, CT स्कैन होता है, और इस CT पे आपको क्या मिलता है, ये रिंग इन्हेंसिंग लीजन्स मिलती हैं। लंबर पंक्चर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किया तो उस पर WBC ज़्यादा मिलेंगे, और उसके अलावा आप इसके पेशेंट के इन्फ्लेमेटरी मार्कर करो तो ESR और CRP ज़्यादा मिलते हैं, लंबर पंक्चर इतना ज़रूरी नहीं है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस है। और लास्ट चीज़ आती है इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में चूँकि इन्फेक्शन ही है तो एंटीबायोटिक ही देते हैं, वही एंटीबायोटिक हैं कि सेफ्ट्रेक्सोन है, मेट्रोनिडाजोल है और वैंकोमायसिन है, ये हम उसको IV देना शुरू करते हैं फॉर 6-8 वीक, और बाकी डिपेंडिंग अपॉन फीचर, सीजर्स हैं तो उसके लिए हम एंटी कन्वल्सेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, डेक्सा ऐड कर सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए IV,
मैनिटॉल जो है वो ऐड की जाती है, और अगर आपको लग रहा है कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, पस है, तो आप उसको सर्जिकली ड्रेन भी कर सकते हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन एब्सेस, जो कि आसान सा एक छोटा सा आसान सा एक टॉपिक है. जिसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला होगा तो उनसे पूछ लें. रिंग इन्हेंसिंग लीजन याद रखनी है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सीटी है, एंटीबायोटिक देते हैं, सपोर्टिव मैनेजमेंट है, मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेप्टोकोकाई है, सुपरेटिव इन्फेक्शन है जिसमें फ्रंटल लोब जो है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है. अब उसके बाद बेटे इन्होंने दो तीन जो हैं वो हमें मिसलिनियस इन्फेक्शंस बताए हुए हैं, जो आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं. सो उनकी बेशक इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा. थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ. एक जो है वो किसको डिस्कस किया हुआ है, सेफलिस को. सेफलिस जो है वो ट्रेपेनेमा पैलिडियम से होती है और उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. टर्शरी स्टेज में वो आपके CNS को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है. और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि लिप्टोमेनिंजीज में ग्रैनुलोमास होते हैं जिनको गुमा बॉडीज़ कहते हैं, और ये वेरियस फॉर्म्स में डिपेंडिंग अपॉन के कितने साल हो गए हैं हमारे पास प्रेजेंट कर सकती है. या तो मेनिंजो वैस्कुलर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, 5 सालों में. उसके बाद अगर 10-15 साल गुजर गए हैं तो उसमें एकदम से जो है वो जनरल पैरालिसिस के साथ आ सकता है. 15 से 20 सालों के बाद टेबिस डॉर्सालिस. टेबिस डॉर्सालिस में ये होता है के पोस्टीरियर कॉलम और जो डॉर्सल नर्व रूट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वो डैमेज होती हैं, जिससे आपकी पेन सेंसेशन, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं, ठीक है. और एक इसमें फीचर आता है जिसको हम लोग कहते हैं एरेगाइल रिबर्स्टन प्यूपल. अब नॉर्मली बेटे हमारा जो प्यूपल है ना, जब हम एक्यूमोडेट करते हैं यानी अपना फोकस नियर विजन पे शिफ्ट करते हैं तो भी प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है. जब हम उस पर लाइट फेंकते हैं तब भी वो कंस्ट्रिक्ट करता है. अब ये वाला जो प्यूपल है जो सेफलिस की वजह से क्रिएट होता है, ये एक्यूमोडेशन के टाइम तो कंस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन जब हम उसकी आंख में लाइट फेंकेंगे तो फिर वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा. इसको कहते एरेगाइल रिबर्स्टन प्यूपल, ठीक है. बाकी हम इसकी डायग्नोसिस के लिए CSF करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम बेंजाइल, पेंसिलीन और प्रोबेनिसिड दे रहे होते हैं, और यही इसकी आसान सी सेफलिस की मैनेजमेंट है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा. नंबर टू जो इन्फेक्शन उन्होंने ब्रेन के मिसलिनियस इन्फेक्शन में बताया हुआ है वो है जी पोलियो वायरस. पोलियो वायरस जो है नेजोफेरेंजियल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन है, और ये जाके क्या करता है, इनकेफेलाइटिस करता है, माइलाइटिस करता है, इसलिए पेशेंट पैरालाइज हो जाता है. डिसेंडिंग फ्लैसेट पैरालिसिस होती है. रेस्पिरेटरी फेलियर से इनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है. और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो रेबीज़ है. रेबीज़ का कोर्स आपको पता ही है कि जब डॉग बाइट करता है तो ये वायरस एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर पे बाइंड करता है, फिर नर्व के एक्सोन्स में ट्रैवल करके ये जाता है CNS में. CNS में रेप्लिकेट होता है और फिर सलाइवा में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है. इसमें पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होता है, यानी पानी से वो दूर भाग रहा होगा, ठीक है. और ब्रेन के अंदर निग्री बॉडीज़ इसका फीचर है जो हमें मिलती हैं. निग्री बॉडीज़ इसमें मिलती हैं और गुमा बॉडीज़ सेफलिस में मिलती हैं. और इसकी प्रोफिलेक्सिकली हम ह्यूमन डिप्लॉयड वैक्सीन देते हैं, आइदर थ्रू इंट्राडर्मल और इंट्रामास्कुलर रूट, और पोस्ट एक्सपोजरली भी हमें हाइपर इम्यून नो ग्लोबलिन और ह्यूमन डिप्लॉयड वैक्सीन देनी पड़ती है. मेरे पेपर में आई थी. और एक फोर्थ इन्फेक्शन है मीजल्स, जिसको हसरा कहते हैं. सो मीजल की एक इन्फेक्ट एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि वो पेन इनकेफेलाइटिस कर सकता है, यानी ब्रेन का इन्फेक्शन. सो सेफलिस ब्रेन का इन्फेक्शन कर सकता है, पोलियो करता है, रेबिस करता है और मीजल्स कर सकता है. लास्ट एक चीज़ जो लिखी हुई है उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको इनकेफेलाइटिस. इसमें होगा ये कि JC पोलियोमा वायरस होता है और वो डेंड्रोसाइट्स को इफेक्ट करता है और डीमाइलिनेशन कर देता है. सो ये किसको इफेक्ट करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, और डीमाइलिनेशन करता है. सो डीमाइलिनेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट इन्फेक्शंस ऑफ ब्रेन. सो CNS के डिफरेंट इन्फेक्शंस को हमने डिस्कस किया है, जिसमें बेटे हमारे पास जो है वो मेनिनजाइटिस आ गया, जिसमें हमारे पास पायोजेनिक मेनिनजाइटिस, ट्यूबर्कुलर मेनिनजाइटिस, इनकेफेलाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है. और ब्रेन एब्सेस के अलावा ये 4-5 इन्फेक्शंस हैं जो मिसलिनियस हैं, इनके बारे में इतना पूछा नहीं जाता. रेबीज़ की मैनेजमेंट देख लें, हमारे पेपर में पूछी थी. इसमें ह्यूमन डिप्लॉयड वैक्सीन है और इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है. सो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाइपर इम्यून सीरम, इम्यूनोग्लोबुलिन. ये आप देख लें, इस पर कोई कंसर्न का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें. बस अब ये चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया और इसको इंशाल्लाह बस 2-3 वीडियोज़ में ख़त्म करते हैं.